छत्तीसगढ़ बस्तर में बारिश आते ही पुलिस ने ऑपरेशन मानसून 4 की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन मानसून में पहली सफलता बस्तर पुलिस को मिली। बस्तर जिले का दरभा नक्सल प्रभावित इलाका है, जहां नक्सली अपनी सरकार और हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे थे। नक्सली बरसात के समय दरभा इलाके के चांदा मेटा में कैंप भी लगा रखे थे। 3-4 दिनों से सूचना मिल रही थी कि इन इलाकों में कई नक्सलियों का जमावड़ा है। सूचना के बाद बस्तर पुलिस ने ऑपरेशन मानसून चलाया और इस ऑपरेशन में करीब 150 से ज्यादा जवानों को रखा गया। मुखबिर के बताए गए इलाकों में जवानों को उतारा गया और 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जवान उस जगह पहुंचे जहां नक्सलियों ने कैंप लगा रखा था। जवानों ने चारों ओर से घेराबंदी की और कैंप पर धावा बोला, जिसमें जवानों को सफलता मिली। एक वर्दीधारी नक्सली महिला को मार गिराया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल और पहाड़ी की आड़ लेकर भाग निकले। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके के जवानों ने बारीकी से सर्चिंग की। सर्चिंग के दौरान कैंप में एक वर्दीधारी महिला, नक्सली AK-47 और 4 अन्य हथियार नक्सली सामान भी बरामद किए हैं। मारी गई महिला नक्सली की पहचान की जा चुकी है। इनका नाम मंगली है और इनके ऊपर 1,00,000 इनाम भी घोषित था। मुठभेड़ के बाद जवानों ने AK-47, 2 पिस्टल, 1 नग 12 बोर की बंदूक, 1 भरमार बंदूक, 40 नग जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बस्तर जिले में नक्सलियों के खिलाफ 2 साल बाद बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और बस्तर पुलिस को सफलता मिली। इससे पहले पुलिस ने तिरिया के जंगलों में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। इससे पहले मानसून ऑपरेशन में 50 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है और कई हथियार भी बरामद किए हैं। इस साल भी मानसून ऑपरेशन में पुलिस को और भी सफलता मिलेंगे। ऑपरेशन मानसून को देखते हुए जवानों के लिए आधुनिक रेनी जैकेट, कई सामग्री दी गई है। ऑपरेशन से लौटने के बाद सभी जवानों के हौसले बस्तर IG सुंदर राज पी, पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बढ़ाए। दिनांक 18 जून को जिला बस्तर एवं सुकमा के सीमावर्ती चांदेमेटे एवं तुलसी डोंगरी पहाड़ी इलाके में CP माओवादी संगठन के दरभा डिवीजन कैडर्स का उपस्थिति के सूचना के पर बस्तर DRG टीम, दंतेवाड़ा DRG टीम, जिला पुलिस बल सुकमा, CRPF असीवानी M227 बटालियन का संयुक्त अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के दौरान कल सुबह करीबन 8:30 बजे चांदेमेटे एवं प्यारबाट जंगल के बीच में माओवादी एवं बस्तर DRG टीम के साथ एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ करीबन 1 घंटे चला है। इसके पश्चात सर्चिंग के दौरान एक वर्दीधारी महिला माओवादी का डेड बॉडी, एक AK-47, 1 12 बोर, 2 पिस्टल एवं 1 भरमार कुल 5 हथियार बरामद किए गए थे। काफ़ी बड़ी मात्रा में नक्सल के लिटरेचर, डॉक्यूमेंट इत्यादि सामग्री भी, वर्दानी को भी सामग्री भी बरामद की गई थे। फिलहाल जो मृतक महिला माओवादी का शव को मंगली के नाम से शिनाख्त की गई, अभी वर्तमान में DVC सुरक्षा दल के सदस्य ग्रुप में उसका शिनाख्त हुआ। मूलतः अरनपुर क्षेत्र के रहने की जानकारी मिल रहा है। BNN24 न्यूज के लिए जगदलपुर से विजय पचौरी की रिपोर्ट।